अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी को कब रिहा किया जाएगा। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वाज़ह तौर पे ये बताया है कि हुकूमत ने हमसे राबता किया है और ये इल्तिजा की है कि आप जो है वो एहतजाज की कॉल ना दीजिएगा, हम आपके जितने भी मुतालबात हैं वो मानते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने के साथ साथ अल्लामा साद हुसैन रिजवी का मुतालबा भी पेश किया और कहा कि फौरी तौर पर उनको रिहा किया जाए, जिस पर हुकूमत ने यह कहा कि हम चंद ही दिनों में ईद से पहले पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी को रिहा कर देंगे। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उन्होंने जितने भी शहीद हुए हैं कारकुनान उनकी तस्वीर भी दिखाई मीडिया वालों को और कहा कि इन पर जुल्म किया गया है, हम इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।